Hello kids, welcome to your English class. I'm your teacher and mentor Ananya, and we are starting an exciting series of book that is Literary Journeys, an English reader for class 7 by Brain Root Publications. So students, today we shall start with the first unit, and the first unit has a beautiful poem titled Somebody's Mother. हम सभी की माएँ हैं और मम्मियाँ हम सभी को बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, राइट? हमारी हर एक छोटी बड़ी बात हम हमारी मम्मी से शेयर करते हैं. उनसे बिना बात किए हमारा दिन ही पूरा नहीं होता. तो आइए एक ऐसी ही मदर के बारे में पढ़ते हैं जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं. लेट्स सी कि कहानी और कविता में क्या लिखा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. We all have good in us, and I truly believe that it's a part of our core nature to want to help others. In this fast-paced society, we will all have more things in our to-do list than the time in the day. हम सभी के बहुत सारे काम रहते हैं दिन में, है ना? कई लोगों को ऑफिस जाना है, स्टूडेंट्स को स्कूल जाना है, हम सबको घर में जो मदर्स होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनको घर के बहुत सारे काम होते हैं, राइट? सबकी देखभाल करनी है. सो एवरीबडी इज़ बिज़ी एंड लाइफ इज़ गेटिंग वेरी वेरी फास्ट पेस्ड. मतलब ज़िंदगी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रही है, इतनी तेज़ी के साथ भाग रही है कि कई बार हमें किसी की मदद करने का मौका नहीं मिलता है. हम चाहते हैं कि लोगों की मदद हो सके, लेकिन क्योंकि हमारे काम इतने सारे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं हम पे, कई बार उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हमें दूसरों की मदद भी करना है, वो भी हमारी एक जिम्मेदारी है. आई थिंक दैट चैरिटेबल पार्ट ऑफ अस इज ईजिली बरीड बिनीथ द हैवी बर्डन्स इन अवर डेली लाइफ्स. थिंक ऑफ द टाइम व्हेन यू हेल्प अ स्ट्रेंजर और अ स्ट्रेंजर हेल्प्ड यू. How did you feel? Discuss with your friends. So, कब आपने किसी की मदद की थी? हम दिन में कई बार अपने फ्रेंड्स की मदद करते हैं, कई बार अपने घर वालों की मदद करते हैं. किसी स्ट्रेंजर या किसी अजनबी की मदद आपने कब की थी? या याद कीजिए, किसी स्ट्रेंजर ने या अजनबी ने आपकी मदद कब की थी? अगर ऐसा कभी हुआ है तो उस विषय में अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और पता कीजिए कि क्या मदद की थी, क्या मदद करने के बाद आपको अच्छा लगा था, आपने जिसकी मदद की क्या वो आपके प्रति थैंकफुल था या नहीं था. सो लेट्स स्टार्ट द पोएट्री. द वुमन वॉज ओल्ड एंड ड्रैग्ड एंड ग्रे. सो एज यू कैन सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लेडी. शी इज़ वेरी ओल्ड. All right, she is wearing ragged clothes. देख रहे हो, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं. Rag means फटे हुए. And grey, grey का मतलब क्योंकि उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो बहुत बूढ़ी हो चुके हैं, that is why grey. And bent with chill of winter's day. और सर्दियों का मौसम जैसे ही आता है, तब ठंड आता है, तो लोग ठिठुर जाते हैं. और जो बूढ़े लोग हैं उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सके. स्पेशली ठंड में वो ठिठुर के काँपने लगते हैं और वो झुक जाते हैं. सो एज़ यू कैन सी, शी इज़ ऑल्सो अ बिट शिवरिंग. और वो थोड़ा सा बेंडिंग पोजिशन में खड़ी है, स्ट्रेट नहीं है. द स्ट्रीट्स वर वाइट विद अ रीसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट विद एज वर स्लो. और जो स्ट्रीट्स हैं, जो सड़कें हैं, वो बर्फ की चादर में लिपटी हुई थी क्योंकि रिसेंटली स्नोफॉल हुआ था. और जो लेडी है उनके जो कदम हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो थे, यानी वो दूसरे लोगों से काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी. एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग जॉस्टल्ड असाइड बाय द केयरलेस थ्रॉंग. वो फुटपाथ के किनारे क्रॉसिंग, रोड क्रॉस करने की जगह पे वो खड़ी हैं, वेट कर रही हैं कि किस तरह से वो रास्ता पार कर सके. सड़क पार करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो लड़खड़ा ना जाए
और जो गाड़ियाँ आ रही हैं या भीड़ जो आ रही है कहीं धक्का में वो गिर ना जाए. ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास बाय हर अनहीडिंग द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आइज. अब वो जब यहाँ किनारे खड़ी हैं कई लोग आ जा रहे हैं इसी सड़क से लेकिन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. किसी ने ये नहीं देखा कि उनकी आँखों में मदद की एक पुकार है. वो लोगों की तरफ बड़ी आशा से देख रही है कि कोई तो ऐसा हो जो आकर उनको मदद कर दे या आकर उनका हाथ थाम के कहे कि आइए मैं आपको रास्ता पार करवा देता हूँ. लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि जो लोग आ जा रहे थे या जो भीड़ थी वो उनको नज़रअंदाज करके या धक्का मार के आगे निकलते हुए जा रहे थे. डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट ग्लैड एंड फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट. और ये ज़्यादातर लोग कहाँ से आ रहे थे, ये स्कूल से आ रहे थे. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे उनके पेरेंट्स या उनको जो लेने आए हैं वो सब लोग यहाँ से पास कर रहे हैं क्योंकि स्कूल अभी अभी ख़त्म हुआ है और सब लोग बहुत शोर मचा रहे हैं. सब बहुत खुश हैं, छुट्टी के टाइम पे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं. सो सब शोर मचा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं और धीरे धीरे रास्ता पार कर रहे हैं लेकिन किसी का भी ध्यान इन बूढ़ी औरत पर नहीं जा रहा है. उनकी बूढ़ी आँखें सबको देख रही हैं कि शायद कोई उन्हें भी रास्ता पार करवा दे लेकिन ऐसा कोई भी उनकी तरफ नहीं आ रहा है. कम हैप्पी बॉयज़ लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे हेस्टिंग द चिल्ड्रन ऑन देयर वे. अब ये सारे ही बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी बर्फीले रास्तों से गुजर रहे हैं. वो उस लेडी के आगे पीछे से गुजर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई भी उस लेडी पे उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. उन वो वहीं पे खड़ी हैं जहाँ वो इतनी देर से खड़ी हैं लेकिन एक भी इंसान या एक भी बच्चा उनसे रुक कर नहीं पूछ रहा है कि आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए. नन ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर सो वीक एंड टिमिड अफ्रेड टू स्टिर लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड ट्रैम्पल हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट. किसी ने भी उनकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया और वो इतनी ज़्यादा वीक थी, इतनी कमज़ोर थी कि उन्हें डर था कि अगर वो अकेले सड़क को पार करने की कोशिश करेंगी तो ऐसा ना हो कि वो भीड़ में गिर जाएं या फिर किसी घोड़ा गाड़ी के नीचे आकर कुचल दी जाएं. एट लास्ट केम आउट द मेरी ट्रूप द गेस्ट बॉयज ऑफ ऑल द ग्रुप. नाउ लास्ट में जब ऑलमोस्ट जो है स्कूल खाली होने लगा धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली सब लोग निकल चुके थे तब लास्ट में एक बहुत ही खुशहाल बॉयज़ का ग्रुप आया जो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहा था, बहुत शोर मचा रहा था, जो खुशी से बिल्कुल झूम रहे थे. और उन्हीं में से सबसे खुश जो बच्चा था, जो लड़का सबसे ज़्यादा खुश था, सबसे ज़्यादा बातें कर रहा था, वो रुका. He paused beside her and whispered low, I'll help you across if you wish to grow. तो वो जब उसने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा वहाँ पे खड़ी होकर इंतज़ार कर रही हैं, सब लोगों की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही हैं, उम्मीद लगा के बैठी हैं कि कोई तो उन्हें रास्ता पार करवा दे, वो उनकी भावनाओं को समझ गया और वो धीरे से उनके पास रुका और बोला, मैं आपको रास्ता पार करवा सकता हूं अगर आप चाहें तो. हर एजेड हैंड्स ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म. एज यू कैन सी उन्होंने बड़ी खुशी के साथ धीरे से अपना कमजोर सा हाथ उस बच्चे के मजबूत हाथों में रखा. ही गाइडेड द ट्रेमलिंग फीट लॉन्ग प्राउड एट हिज ओन वर यंग एंड स्ट्रॉन्ग. सो फाइनली उस बच्चे ने बड़े ही प्यार से उस बूढ़ी महिला का हाथ पकड़ा और फिर धीरे धीरे उन्हें लेके सड़क को पार करवाने लगा. देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट. शी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो फॉर ऑल शी इज एजेड पुअर एंड स्लो. तो पहले उसने क्या किया, उस बूढ़ी अम्मा को पहले सड़क को पार करवाया और फिर वापस दौड़ के अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में चला गया. और जब वो गया तो वो बहुत खुश था,
उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, उसने किसी की मदद की थी। उसने जाकर अपने दोस्तों से कहा कि वो जो लेडी है वो भी किसी ना किसी की तो मदर ही है ना, किसी की तो मम्मी है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पता है उनकी उम्र हो गई है ना, इसीलिए वो धीरे धीरे चल रही हैं। एंड समवन समटाइम मे लेंड अ हैंड टू हेल्प माय मदर, यू अंडरस्टैंड, इफ एवर शी इज ओल्ड एंड पुअर एंड ग्रे एंड हर ओन डियर बॉय सो फार अवे। तो वो लड़का वापस गया और उसने अपने दोस्तों से क्या कहा कि वो किसी की मदर हैं और मेरे घर में भी मेरी मदर हैं, एक दिन वो भी बूढ़ी हो जाएंगी और ऐसा हो सकता है कि शायद आज से कई सालों बाद जब मेरी मदर भी बूढ़ी हो जाएं, उन्हें भी मदद की ज़रूरत हो, वो भी कमज़ोर हो जाएंगी, शी विल बी ऑल्सो वीक लाइक द लेडी, और शायद उन्हें भी हाथ पकड़ के रास्ता पार करवाना या किसी और तरह की मदद की ज़रूरत पड़े। जिस तरह आज मैंने किसी की मदद की है, उसी तरह शायद उस दिन कोई मेरी मम्मी की भी मदद कर देगा जब मैं उनके पास नहीं हूँगा, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब शायद मैं भी किसी काम की वजह से कहीं और हूँ, तो अगर मैं कहीं और जाऊँगा तो उस वक्त मैं अपनी मम्मी की मदद करने के लिए तो नहीं आ सकता ना, तो शायद आज जैसे मैंने किसी की मदद की है उसी तरह कोई और भी मेरी माता की मदद करेगा, यानी मेरी मदर की हेल्प करेगा। Somebody's mother bowed low her head in her home that night and the prayers she said। तो किसी की माँ ने उस रात जो है भगवान से प्रार्थना की, किसी की मदर को पार करवाया था ना, किसी की मम्मी ही तो थी, हमें तो नहीं पता कविता में कि किसकी माँ थी, लेकिन आफ्टरऑल किसी ना किसी की मदर थी, तो उन्होंने रात को प्रेयर्स बोली। Was God be kind to the noble boy, यानी ईश्वर उस बच्चे पे अपने आशीर्वाद का हाथ हमेशा बनाए रखना, उस पे अपनी दया और कृपा की दृष्टि हमेशा रखना, who is somebody's son and pride and joy, जो कि किसी माँ का दुलारा है, लाडला है, किसी माँ की खुशी है और किसी माँ का गर्व या अभिमान है। क्योंकि बच्चा इतना अच्छा है तो डेफिनेटली उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, क्योंकि इतने सारे बच्चे स्कूल से निकले लेकिन सिर्फ वही एक लड़का था जिसने उस बूढ़ी औरत की मदद की। ठीक है, सो दैट इज़ वाई चिल्ड्रन वी शुड ऑल्सो बी ऑलवेज काइंड एंड हम्बल। इफ समबडी एक्चुअली नीड्स अवर हेल्प, अगर किसी को सच में हमें लगे कि हमारे आसपास कोई है जिसकी हमें मदद करनी चाहिए और हम उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी मदद, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। ऑल राइट, सो लेट्स नाउ डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स क्विकली। फर्स्ट वन, जॉस्टल। जॉस्टल्स का मतलब धक्का देना, पुश कर देना। थ्रोंग, थ्रोंग का मतलब भीड़ यानी क्राउड। अनहीडिंग मीन्स जब आप किसी चीज़ पे ध्यान ना दें या अटेंशन ना दें। रैग्ड मीन्स पुराना और फटा हुआ। एंशियस मीन्स वरिड या डरा हुआ, चिंतित या भयभीत होना। हैस्टन मीन्स टू बी क्विक टू डू समथिंग, हैस्टन का मतलब जल्दी जल्दी किसी काम को करना। हेलिंग मीन्स चीयरिंग टू वेलकम। एंड लास्ट इज कंटेंट, कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड यानी संतोष होना। ऑलराइट, सो नाउ मूव टू वर्ड्स द एक्सरसाइजेज, लेट्स डू दीज एक्सरसाइजेज वन बाय वन। So first we have multiple choice questions, okay? तो ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इन्हें एक एक करके करते हैं। First one, the woman was old, ragged and grey. Name the poetic device used in this line. So this line here, they have used old and ragged and grey. So this means hyperbole and metaphor, okay? Hyperbole and metaphor. ठीक है, यहाँ पोएट ने जो है ओल्ड और फटे पुराने यानी गरीबी को दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है, एम्फोसिस किया है, जोर डाला है, तो इसीलिए इसको हम हाइपरबोले एंड मेटाफर के अंदर कैटेगराइज कराएंगे। सेकेंड, द ओल्ड लेडी वॉज हेल्प्ड बाई अ ग्रुप ऑफ यंग बॉयज, अ प्राउड मैन एंड अ नॉबल मैन, अ स्ट्रॉन्ग एंड अ यंग बॉय, समबडीज मदर। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, अ स्ट्रॉन्ग एंड अ यंग बॉय। थर्ड वन, द ओल्ड लेडी एट नाइट, वो जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने रात को क्या कहा, आस्क्ड फॉर अ मदर फॉर द यंग बॉय, हेल्प समबडीज मदर, आस्क्ड फॉर ब्लेसिंग्स फॉर द यंग बॉय, हेल्प द यंग बॉयज मदर। तो उन्होंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की, सो ब्लेसिंग्स
Mangi, that is why again C option is correct. Now, let's do question number 4. The old lady crossed the road by herself but fell down on the way with a merry troop without hurt or harm. So, क्या वो old lady successfully road cross कर पाई थी? Yes, she crossed the way without hurt or harm. उनको किसी तरह की चोट नहीं लगी, उन्होंने बड़े आराम से रोड को क्रॉस कर लिया. क्यों? क्योंकि उनकी मदद एक यंग बच्चे ने की थी. ऑल राइट चिल्ड्रन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ हेयर वी हैव टू पिक आउट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स. ऑल राइट, हमें मिलते जुलते शब्दों के पेयर्स बनाने हैं. क्लियर? सो देर आर मेनी वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ राइमिंग वर्ड्स हेयर. सो लेट्स फ्लिप बैक द पेजेस ऑफ द चैप्टर. एक बार पीछे जाते हैं. नाउ लेट्स सी, देखो बहुत सारे हैं. इफ वी सी ग्रे डे, ग्रे और डे, दिस इज अ राइमिंग पेयर ऑफ वर्ड. देन स्नो एंड स्लो, दिस इज अगेन अ राइमिंग पेयर ऑफ वर्ड. लॉन्ग एंड थ्रॉन्ग, शाउट एंड आउट, शीप एंड डीप, ग्रे एंड वे. सो मेनी राइमिंग पेयर ऑफ वर्ड्स जो शब्द एक जैसे साउंड कर रहे हैं. ठीक है, सो दीज वर्ड्स वी हैव टू पिक अप. सो दिस यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. मैंने आपको बता दिया है, आप ये खुद करेंगे. ऑल राइट, सो आफ्टर डूइंग दिस नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सी. नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन दीज लाइन्स. द स्ट्रीट्स वर वाइट विद द रीसेंट स्नो. स्ट्रीट्स जो है बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी स्नो के गिरने की वजह से. ऑल राइट, सेकेंड इज कम बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप. जो लड़के आ रहे थे स्कूल से वो बिल्कुल जैसे एक भेड़ का झुंड आता है ना, शीप का पूरा ग्रुप घूमने आता है, बिल्कुल वैसे ही वो लोग निकले. थर्ड, नन ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर सो वीक एंड टिमिड अफ्रेड टू स्टिर. सो किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी, इतनी ज़्यादा डर रही थी आगे बढ़ने से. सो द आंसर्स टू द फिगर ऑफ स्पीच इन दीज लाइन्स आर, द फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन. वाई एलिट्रेशन? सी वेयर वाइट विद, हेयर डब्ल्यू इज बीइंग रिपीटेड, सो दिस इज एलिट्रेशन. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? Alliteration. All right, next one. Come boys like a flock. So like a flock of sheep. Like मतलब हम किसी की तुलना किसी चीज से कर रहे हैं. So this is simile. All right. And next is none offered a helping hand. Again, helping hand. H and H. In these lines, helping hand. H and H is being कमिंग अगेन, मतलब एच साउंड रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई इट इज अगेन एलिट्रेशन. क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप दैट यू हैव डन दीज, यू हैव नोटेड ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. जैसे जैसे हमने एक्सरसाइजेस डिस्कस की हैं, MCQs एंड फिगर ऑफ स्पीच, वो आपने नोट कर लिया है. राइमिंग वर्ड्स आपको खुद करने हैं, मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आपको करना है. So I hope that you would be able to do them on your own. So with this we are done with your session. I hope that you have understood the poem quite well and you have also learned a lesson that we should be always helpful towards others. All right, because helping others not only helps them but also makes us feel good. दूसरों की मदद करने से उनकी मदद तो होती है, साथ ही साथ हम भी एक शांति का अनुभव करते हैं, हमें एक अजीब सी खुशी महसूस होती है. सो विद दिस वी एंड विद टुडे सेशन चिल्ड्रन. आई विल अगेन मीट यू विद अ न्यू वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.